नमस्कार देवियों सजनों, आज मैं हूँ राजस्थान के नंबर वन कॉमेडियन मिस्टर आशीष सैनी के घर पे। हमारा दोस्त कुछ टाइम पहले हमारा साथ छोड़ दिया था, किसी का मतलब अनहोनी हो चुकी थी, लेकिन आज जब मैं फ्री था, मेरा कोई इवेंट नहीं था, तो मैं आज उस लोकेशन पे आया हूँ जिस लोकेशन पे वो शूट करते थे और जिस लोकेशन से पूरे राजस्थान के लोगों को हंसाया करते थे। हर घर में वो वीडियो चलता था, हर बच्चे उन्हें प्यार करते थे, हर बूढ़े लोग उन्हें प्यार करते थे और एक अलग मतलब दिल में जगह बना ली थी आशीष सैनी ने। तो आइए आज उस लोकेशन पे आया हूँ मैं, आइए वो लोकेशन दिखाता हूँ, वो झोंपड़ी दिखाता हूँ जहाँ ये शूट करते थे, जिस एरिया में वो रहते थे, वो सारे तमाम चीजें आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ दिखाते हैं। हाँ, मिस्टर आशीष सैनी शूट किया करते थे, ये तमाम पूरी जगह इस जगह पे शूट हुआ करता था। तो आइए आज जब एक साल हो चुका है तो हम उस जगह पे वापस से विजिट करें हैं और उस जगह को देखने वाले हैं और क्या कुछ हालात हैं इन जगहों का और किस तरीके से ये जगह अभी भी इनके परिवार ने सजो रखी है। तो आइए अंदर की ओर लेके चलता हूँ, अंदर क्या कुछ दिखने वाला है। तो आइए एक बार, ये वो जगह है जहाँ पे शूट हुआ था, जहाँ पे ये लोग रहा करते थे वीडियो के अंदर, और कुछ टाइम पहले इस जगह पे मुहूर्त भी हुआ था। तो ये जगह है, अभी भी खाद डली है और डेली यहाँ पे झाड़ू लगाई जाती है उसी तरीके से, नियत मतलब डेली नियमित रूप से यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। और ये वो लोकेशन थी जहाँ पे ये लोग शूट किया करते थे। तमाम जगह इसी लिए बनाई थी, ये पूरा लोकेशन बना है जिस टाइप, मतलब इसे फिल्म सिटी कहा जा सकता है, जिस तरीके से इस झोंपड़ी पे पैसा लगाया है, ये उनके ट्रॉली ट्रैक्टर और ये जितने भी तमाम सामान हैं, ये सब चीजें ये काम में लेते थे अपनी वीडियो में। आइए उनकी फैमिली की भी हम बात करें, तो सारे फैमिली वाले अभी शायद अंदर की ओर हैं तो उनसे अपन बात नहीं कर सकते, बट हाँ कि ये पूरा तमाम जगह मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा एक बार चारों तरफ दिखा दे कि उनके घर की लोकेशन किस तरीके से है। अभी पूरा परिवार खेती में लगा हुआ है क्योंकि आशीष सैनी के जाने के बाद आशीष सैनी ही इनके परिवार में वो एक चमकता सितारा था जो इनके परिवार का एक सहारा था, लेकिन अब आशीष सैनी जाने के बाद इनके परिवार में कोई वीडियो से संलग्न नहीं था। जहाँ पे वो शूट किया करते थे, ये फवारे वगैरह आपने देखे होंगे वीडियो में, कई बार इन्होंने काम में लिया है। तो इसमें विंडो की व्यवस्था भी है, मतलब खिड़की इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे हवा की व्यवस्था कर रखे थे। और साथ ही साथ अगर हम इसके दरवाजे की बात करें तो ये दरवाजा बहुत मजबूत इन्होंने बनाया है और बहुत कमाल का था। अब चलिए अंदर की ओर देखते हैं हम। अंदर यहाँ पे देखो प्रॉपर नियमित रूप से यहाँ पे साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। ये उनके वीडियो में काम आने वाली वो खाट है जहाँ पे लादू ठेकेदार वगैरह बैठा करते थे, और साथ ही साथ अगर उसकी बात करें वो चूल्हा वहाँ पे पड़ा है तो उस चूल्हे पे भी वीडियो शूट होने के टाइम रोटी वोटी बनाने की बात हुआ करती थी। और ये आपको दिखाते हैं उनके रियल लाइफ वाला घर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उनके रियल लाइफ वाला घर है। और अगर बात करें अपन वीडियो वाले घर की तो जस्ट मेरे पीछे इस साइड वो वीडियो वाला घर है जहाँ पे वीडियो शूट हुआ करता था। उस रहने वाले घर से और वीडियो वाले घर से मात्र 100 मीटर की दूरी है, इस घर से उस घर तक की दूरी। और देखिए डेडिकेशन कितना है, मैं इस वीडियो में काम केतन के साथ मैंने भी एक बार वीडियो में काम करने का मौका मिला है और इस वीडियो में मेरा नाम हुआ करता था राम प्रसाद तिवारी, मैं कैमरामैन राम प्रसाद तिवारी के नाम से मैं आता करता था। तो एक बार जब मैं आया था तो वो वीडियो सुबह तकरीबन 10 बजे चला था और रात 2 बजे तक वो लोग शूट कर रहे थे। तो बहुत डेडिकेटेड इंसान थे आशीष सैनी जी और बहुत कमाल का काम करते थे और बहुत अच्छी कॉमेडी करते थे। और राजस्थान में तो इन्होंने अपना बहुत नाम कमाया, अपने परिवार का नाम कमाया, अपनी टीम को बहुत ऊंचे लेवल पे लेकर गए। और लेकिन आज उनके जाने के बाद हमें बहुत दुख होता है और राजस्थानी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ इस चीज़ का कि राजस्थान का एक उभरता हुआ यूट्यूबर हमारे बीच नहीं रहा, तो इसका हमें बहुत दुख होता है। तो इनके आने वाली अभी 1 साल होने वाला है आशीष सैनी को।